नमस्कार माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरे चैनल पे फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम चर्चा करने वाले हैं जोन रैली। आप सबने देखा है 5 नवंबर 2022 के दिन में जो 4 ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर ये रैली किया है, यानी कि फूड मार्च किया है, टाटा कॉम्प्लेक्स नाहरलगुन टू टेनिस कोर्ट ईटानगर। तो सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन जो जोन रैली किया है उसका नाम मैं बता दूँ आप सभी को, अरुणाचल बचाओ आंदोलन, और किप द कॉम्प्लेक्स यूथ वेलफेयर एसोसिएशन, प्रो डेम मोमेंट अरुणाचल प्रदेश, उसका बाद न्यूली फॉर्म अरुणाचल नारी शक्ति। आप सब ने देखा है आज जो रैली हुआ है, बहुत लास्ट नंबर पे पार्टिसिपेंट्स था, पब्लिक बहुत साथ दिया है। ये रैली से पहले हमें ऐसा लगा कि पब्लिक थक चुका है। एएसी टीम और सरकार के बीच में जो लड़ाई है, यानी कि पब्लिक और सरकार के बीच में जो लड़ाई है, बहुत महीनों से चल रहा है। पब्लिक देख रहे, सुन रहे, लेकिन हमें ऐसे लगा है कि ये रैली में बहुत कम नंबर्स लोग पार्टिसिपेट होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारा ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है जनता पे कि एसीसी टीम ये है वो है, और आपस में बहुत सारे एलिगेशन लग रहा था। तो हमें लगा है कि इसमें कोई ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स नहीं होगा, सपोर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन ये सारा गलत साबित किया है। आज जनता अभी भी जगा हुआ है, जनता अभी भी एसीसी टीम को सपोर्ट करना बरकरार है। जनता का तरफ से इस वक्त भी पूरा फुल सपोर्ट है, ऐसे देखने में लगा। और स्पेशली जो अरुणाचल नारी शक्ति जो रिसेंटली जो फॉर्म किया गया है इन सपोर्ट ऑफ एएसी टीम को, सपोर्ट में इन्होंने फॉर्म किया है। ये जो अरुणाचल नारी शक्ति एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो वुमेन्स का है। तो ऐसे लगा कि ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन बनने वाला है, क्योंकि हम सब पता है जब भी औरत कुछ भी करता है तो बहुत दिल से करता है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेता है तो दिल से रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने में लगा होता है औरत। महिलाओं हमेशा सच्चा दिल से काम करता है, सच्चा भावनाओं से अपना सेवा करता है। तो हमें लगता है ये जो नारी शक्ति है, अरुणाचल नारी शक्ति का जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये लंबा सफर होने वाला है। और जब इस प्रकार का जब पब्लिक सपोर्ट आता है, सपोर्ट देता है, तो मुझे उम्मीद है एएसी टीम को आगे बढ़ने में और मोटिवेट करता होगा। जब अरुणाचल नारी शक्ति जो चेयरमैन ने कहा कि ये सिर्फ जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सिर्फ ईटानगर पे नहीं होगा, सारा डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी इसको किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में जितना भी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट से जो सपोर्टर्स ढूंढना चाहेंगे, तो इस प्रकार का भाषण दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लंबा सफर होने वाला है सरकार के खिलाफ में, यानी कि जो इनका जो फॉर्म करने का जो मुद्दा रहा है वो करप्शन है। तो करप्शन को फाइट करने के लिए कहीं ना कहीं महिलाओं को आगे आना बहुत ही जरूरी होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि महिलाओं अपना बच्चा अपना घर परिवार को देखते हुए ये आज सड़क पे उतरा है, सड़क पे घूम रहे हैं, सरकार के खिलाफ में करप्शन के खिलाफ में आज आवाज़ उठा रहे हैं। वो क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि उनको पता है उनका घर परिवार क्या है, उनका बाल बच्चा किस हालत में जी रहा है। इतना पढ़ लिख के बिना नौकरी घूम नौकरी देता तब भी नहीं मिलता है करप्शन का वजह से, जिनके पास सब कुछ है, जिनके पास पावर है, जिनके पास पैसा है, उन लोगों को ही नौकरी मिलता है, उन लोगों को ही गवर्नमेंट का बेनिफिट्स मिलता है। इस प्रकार का जो आज महिलाओं का जो सोच है, इन चीज़ों का वजह से आज सड़क पे उतर रहा है। तो कहीं ना कहीं हम इन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। जो भी इनका जो डिमांड्स है, इनका जो मुद्दा है ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करने का, करप्शन का फाइट
अगेंस्ट में आने का कहीं ना कहीं ये जुनून है उनके लिए और हम सब के लिए भी, क्योंकि करप्शन हमेशा ही मुद्दा रहा है, चाहे अरुणाचल प्रदेश में कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी सरकार यहाँ आया गया है, ये जो करप्शन का जो इश्यूज़ है वो हमेशा रहा है। और कहीं ना कहीं करप्शन इश्यूज़ को लेकर जनता और सरकार के बीच में ये लड़ाई चलता आया है। तो जो आज अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम ने जो लीड किया है, फोन से लीड कर रहा है, तो इनका बोल भी कहीं ना कहीं पब्लिक का साथ है, कहीं ना कहीं पब्लिक का सपोर्ट है, पब्लिक का भरोसा है इन पे, कि पब्लिक का ये सोचना है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। इस प्रकार का जब पब्लिक सोचता है तो ज़रूर कहीं ना कहीं रिजल्ट आएगा, हम ये विश्वास करते हैं। आज करप्शन बहुत ज़्यादा है, हम सब जानते हैं, हम सब करप्शन पब्लिक डोमेन में है। आज आप एग्जांपल ले लिया जा सकता है, रिसेंटली जो एपीपीएससी में जो पेपर लीकेज का जो इशू रहा है, वो बहुत ही शर्म का बात है सरकार के लिए भी और हम सब के लिए भी, क्योंकि सबने देखा है और इस पे अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जांच चल रहा है। बहुत सारा लोग, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन इस पे फाइट कर रहा है, इस पे काम कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो एक्यूज है उसको सजा दिया जाए, शक से शक, और जितना भी जो एस्पिरेंट्स के साथ में उनका भावनाओं के साथ जो भी खेला है उनको एक स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, एग्जेम्पलरी पनिशमेंट मिलना चाहिए। इस प्रकार का सोच लेकर आज स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन जनता साथ दे रहा है और सरकार का तरफ से भी सीबीआई रिकमेंड किया है और सीबीआई प्रशासन ने भी आया है कि आ चुका है। तो आने वाले दिन में सरकार को भी सोचना है कि करप्शन जो है आज के लिए नहीं है, करप्शन जो हमेशा सरकार के लिए भी खतरा हो सकता है, कहीं ना कहीं जनता के लिए भी खतरा है करप्शन। तो सरकार को काम करना होगा इस पे, जो जनता का आज जो डिमांड है, जनता का आज जो आवाज़ उठा रहा है करप्शन के अगेंस्ट में, इस पे सरकार को चर्चा करना होगा, सरकार को आना होगा, सरकार को सोल्यूशन लाना होगा इस पे। सरकार साइलेंट बैठने से नहीं होगा, खामोश रहने से नहीं होगा, कहीं ना कहीं सरकार को रिस्पॉन्स करना होगा। और जो ये मुद्दा रहा है जो एपीपीएससी का जो सीबीआई इंक्वायरी का, अगर ये हम सबको वेट करना होगा कब तक पब्लिक डोमेन में क्या रिजल्ट आता है, हम सबको देखना होगा। और कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए भी बहुत बड़ा अचीवमेंट होने वाला है अगर ये सक्सेस होता। तो अगर सीबीआई सही तरीका से जांच करता है और पब्लिक डोमेन पे एक अच्छा रिजल्ट लाता है, एक पॉजिटिव रिजल्ट लाता है, तो सरकार के लिए भी ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होने वाला है। तो सरकार सिर्फ कुछ सिलेक्टेड चीज़ पे काम नहीं होना चाहिए, सरकार जितना भी जनता का जो तकलीफ है, आज जो जनता जो सड़क पे उतर रहा है करप्शन को लेके, जो एएसी टीम जो आज रो रो कर जो लड़ाई कर रहा है, उसको भी कहीं ना कहीं ध्यान देना होगा सरकार को। ये कहीं ना कहीं आम जनता से जुड़ा हुआ है, भले एएसी टीम दिल्ली जंतर मंतर पे धरना कर रहा होगा, वहाँ 20-30 मेंबर्स होगा, लेकिन सरकार को ये नहीं भूलना चाहिए कि उनके पीछे हजारों लाखों सपोर्टर्स हैं, उनका जो मुद्दा है वो जनता से जुड़ा हुआ है, गरीब जनता से जुड़ा हुआ है, ये हम सब जानते हैं। आज हमारे राज्य में
महिलाओं सबसे आगे आ रहे हैं। महिलाओं को आज इतना मजबूरी क्या हुआ है? एक समय में महिलाओं को हम डोमिनेट करता था, महिलाओं को घर में ही काम करने के लिए हम कहता था, लेकिन आज वो महिलाओं राज्य और देश के लिए बदलने में आज लगा हुआ है। ये बहुत अच्छा बात है हम सब के लिए। जब महिलाओं आगे आता है, कोई भी महिलाओं काम करता है, तो एक सच्चा मन सच्चा दिल से काम करता है और उस काम को सक्सेस होने में भी उसका बहुत बड़ा हमेशा हाथ होता है। आज इसी प्रकार से जो महिलाओं आज सड़क पे उतर रहे हैं, उनको भी हम एक बार सोचना चाहिए, उनका क्या तकलीफ है, उनका जो डिमांड से उनका जो इच्छा है, उसको भी एक बार पूछना चाहिए सरकार को आके। सरकार हमेशा पॉलिटिकलाइज पॉलिटिकल मोटिवेटेड इस प्रकार का भाषण इस प्रकार का स्टेटमेंट देते रहने से नहीं होगा। कहीं ना कहीं पब्लिक को विश्वास या आश्वासन देना होगा कि करप्शन को लेकर सरकार कितना सीरियसनेस है, इस प्रकार का स्टेटमेंट देना होगा। हम सब ने देखा है, हम सब गवाह है, बीजेपी सरकार महंगाई और करप्शन को लेकर ही सरकार में आया है, ये नहीं बोलना है कभी। सरकार हमेशा करप्शन को जीरो टॉलरेंस मानते हुए काम किया है, जनता का भलाई वेलफेयर का काम किया है, लेकिन आज उस सरकार के खिलाफ में जब पब्लिक करप्शन को लेकर आज आवाज़ उठा रहा है, तो सरकार का तरफ से खामोश, सरकार का जो रवैया है वो कहीं ना कहीं निगेटिविटी दिखाई दे रहा है। सरकार का तरफ से कुछ ऐसे ठोस कदम उठाया नहीं जा रहा है अभी तक, तो पब्लिक ये सब देख रहे हैं, पब्लिक ये सब तो समझता है सरकार का रवैया क्या है इस वक्त। हमें AAC का जो मुद्दा है या AAC टीम से हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमें तकलीफ है करप्शन को लेकर। अरुणाचल को जो जनता जो चिंता है वो करप्शन को लेकर। अगर आज करप्शन के लिए हम आवाज़ नहीं उठाएगा, करप्शन कल का दिन में और ज़्यादा होगा, डबल पैदा होगा। हमारे बच्चा जब करप्शन के खिलाफ में लड़ना शुरू करेगा, तब तक ये करप्शन क्रोनिक हो चुका होगा, इसको इलाज करना मुश्किल हो चुका होगा। इसलिए आज हम सबको करप्शन के खिलाफ में आवाज़ उठाना होगा, करप्शन के खिलाफ में हमें लड़ना होगा, चाहे जो भी सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार कोई भी पार्टी का सरकार हो, हमें आवाज़ बुलंद करना होगा। कहीं ना कहीं हम विक्टिमाइज से करप्शन का, कहीं ना कहीं हम करप्शन से धोखा खाया वाला हो सकता है। तो आज हम फाइट करना होगा, हमको समझना होगा, हमको जगना होगा और हमेशा हमेशा के लिए इस लड़ाई में हमें योगदान देना होगा।